भारत विरोधी मुहिम में सत्ता में आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जी को अब भारत की अहमियत समझ आ रही है। कर से जूझते मालदीव की वित्तीय मदद के लिए मुइज्जी ने भारत का आभार जताया है। उन्होंने देश की कमजोर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद के लिए भारत और चीन दोनों ही देशों को एक साथ शुक्रिया किया है। मालदीव भारी कर्ज संकट में जूझ रहा है, जिससे उभरने में भारत और चीन दोनों ही देश उसकी मदद कर रहे हैं। 26 जुलाई को देश के 59वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित एक आधिकारिक कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुइज्जी ने कहा कि देश पर चढ़े कर्ज को चुकाने के लिए चीन और भारत ने सबसे अधिक मदद की है। मालदीव के एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मुइज्जी ने कार्यक्रम में कहा, मैं मालदीव के लोगों की ओर से चीनी सरकार और भारत सरकार को हमारी आर्थिक संप्रभुता बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास में सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। बता दें, मुइज्जी पिछले साल भारत विरोधी मुहिम चलाकर सत्ता में आए थे। उन्होंने वादा किया था कि अगर वे सत्ता में आएंगे तो द्वीप देश से भारत के 80 सैनिकों को वापस भेज देंगे। ये भारतीय सैनिक भारत की तरफ से मालदीव को दिए गए हाल ध्रुव हेलीकॉप्टर्स और डोनियर एयरक्राफ्ट का संचालन करने के लिए मानवीय मदद के लिए दिया गया था। मुइज्जी ने सत्ता में आते ही भारतीय सैनिकों को वापस भेजने की अपनी कसम निभाई और इस साल 10 जून तक सभी भारतीय सैनिक वापस आ गए। उनकी जगह पर भारत हालांकि टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम मालदीव भेजने में कामयाब रहा। चीन समर्थक माने जाने वाले मुइज्जी ने सत्ता में आते ही चीन के साथ मालदीव के रिश्तों को मजबूत किया है। इसी साल की शुरुआत में मुइज्जी चीन दौरे पर गए थे, जिस दौरान दोनों देशों के अपने संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया था और 20 समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें चीन के साथ एक सैन्य सहायता समझौता भी शामिल है, जिसमें भारत ने असहजता दिखाई थी। मुइज्जी ने अपने चीन दौरे में चीनी जहाजों को मालदीव के समुद्री क्षेत्र में डॉक करने की अनुमति भी दी। पिछले साल श्रीलंका ने विदेशी जहाजों के अपने समुद्री क्षेत्र में डॉक करने पर रोक लगा दी थी, जिससे परेशान चीन ने मालदीव का सहारा लिया है। वहीं भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर हुए विवाद के बाद हाल के महीने में भारत मालदीव के रिश्तों में कड़वाहट दूर होते हुई दिख रही है। 9 जून को मुइज्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने भारत आए थे। उन्होंने 400 करोड़ रुपए की मदद के लिए भारत को धन्यवाद दिया और भारत से मांग की कि मालदीव को दिए कर्ज को रिस्ट्रक्चर किया जाए। भारत के प्रति मुइज्जी की नीति में बड़ा बदलाव तब आया जब इसी साल मई में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मालदीव को चेतावनी दी कि अगर उसने बड़े नीतिगत बदलाव नहीं किए तो उसे कर्ज संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद मुइज्जी सरकार ने चीन से कर्ज रिस्ट्रक्चर करने की मांग की। मालदीव को चीन ने कथित तौर पर 1.3 अरब डॉलर से अधिक का कर्ज दिया है, जिसे चुकाने में मालदीव ने असमर्थता जाहिर की है। चीन ने शुरू में मालदीव की इस मांग पर आपत्ति जाहिर की थी, लेकिन मुइज्जी ने 26 जुलाई की बैठक में कहा कि चीन ने कर्ज चुकाने के लिए मालदीव को अब 5 साल की मोहलत दे दी है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।